हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? डेजी जरूर ठीक होंगी। हाँ, तुम तो हमेशा ठीक रहते हो। तो देखो, आज हम आपके लिए एक न्यू स्टोरी लाए हैं, पेपा लव्स सॉफ्ट प्ले। अक्सर सॉफ्ट प्ले बच्चों को पसंद होता है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी सॉफ्ट प्ले बहुत पसंद होगा। मुझे भी पसंद है डेजी। और मुझे भी पसंद है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करते हैं। वैसे आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लिली, एक और खास बात बताओ। हाँ? कि ये बुक अलिफ द फ्लैप बुक है। वाओ, बहुत मजा आने वाला है। डेजी, ये सब कहाँ जा रहे हैं? लिली, ये लोग रिचर्ड रैबिट के घर जा रहे हैं, सॉफ्ट प्ले सेंटर में। वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पे वो लोग पार्टी करेंगे, मतलब बहुत खेलेंगे, कूदेंगे, स्लाइड करेंगे और बहुत मजे करेंगे। सॉफ्ट प्ले छोटे बच्चों की पार्टी होती है। हाँ, इसलिए तो जॉर्ज को इनवाइट करा है, क्योंकि जॉर्ज छोटा है। डेजी, देखो कितना मस्ती कर रहे हैं ना सारे बच्चे। हाँ, मुझे भी मन कर रहा है खेलने का इन सॉफ्ट प्ले में। कितना मजा कर रहे हैं। अब तो समय हो गया है घर जाने का, पर ये लोग तो आ नहीं रहे। वही तो, मिस रैबिट ने मम्मी पिग को यही कह रही है। वो लोग खेलने में इतने व्यस्त हो गए हैं। वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोग उनके साथ अंदर जाएंगे। ओह माय गॉड, ये लोग तो अटक गए। हाँ, इन्हें अब कौन निकालेगा? चिंता मत करो, पेपा, सुजी शिप और डैडी पिग आ गए हैं उन्हें निकालने के लिए। मिस रैबिट को देखो। ओह, डैडी पिग भी अंदर गए उन्हें निकालने के लिए और खुद अटक गए। डैडी पिग भी बड़े हैं। हाँ, इसीलिए तो सॉफ्ट प्ले बच्चों के लिए होता है, ताकि कोई अटक ना जाए। कोई बात नहीं, पर पापा और सुजी शिप है। देखो, उन्होंने मम्मी पिग को निकाल दिया। और सुजी ने सबको बचा लिया। हाँ, अब ये लोग घर जा सकते हैं। पर सारे बच्चे कहाँ हैं? वो लोग तो खेल रहे हैं। और पापा और सुजी? उन्हें तो बहुत पसंद है खेलना। देखो, तभी वो लोग भी खेल रहे हैं। देखो कितना मजा कर रहे हैं। सॉफ्ट प्ले बहुत मजेदार होता है। पेपा और सुजी को सॉफ्ट प्ले बहुत पसंद है। सबको सॉफ्ट प्ले सेंटर बहुत पसंद है। उम्मीद है दोस्तों, आपको भी बहुत पसंद होगा। हाँ, बाय बाय फ्रेंड्स। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, और डेजी और लिली के साथ। बाय बाय।